या सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे से लो। मैं सब दोबारा सा गया है फ्री फायर के एक और नए वीडियो में। और भाई ये वाला वीडियो में देखो क्या होता है कि हम लोग क्लॉक टावर उतारो, क्लॉक टावर पे सिर्फ एक ही डुओ उतरता है, ठीक है, जो मेन घर में सामने वाला, ठीक है। और वो डुओ इतना ज़्यादा गलत रहता है, मतलब वो हम लोग को इतना बार नॉक करता है, इतना डैमेज देता है, लेकिन फिर भी रश नहीं करता, इतना मतलब वो सहने वाला डुओ था, मतलब इतना ज़्यादा वो सह सकता था। हम तो भाई एक ईगो को नॉक करते हैं, एक स्क्वाड मेंबर को तो रश मार देते हैं। इधर भाई दोनों को नॉक किया, भाई डैमेज देखो अभी भी हमको डैमेज यहाँ पे पड़ता है जब यहाँ पे हम लूट करने के लिए आते, तो इतना इतना भाई देता है। देखो यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ा, यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ा, मेरा टीममेट को तीन बार नॉक करता है बट फिर भी वो रश नहीं करता। तो क्या होता है कि राम नाम विलेज में भी एक डू उतरता है, तो हम तो भाई थे उतना सहने वाले नहीं। तो क्या होता है, राम नाम विलेज वाला लूट करके आता है और वो दोनों डुओ को मार देता है, ठीक है। और मौके का फ़ायदा उठा के हम भी इधर से बोलते कि चल रश करते हैं। तो वही क्या कहते हैं, वो दोनों डुओ जब मतलब वो दोनों का फाइट हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से थर्ड पार्टी करते हैं। तो थर्ड पार्टी जबकि तो जाते जाते तो देर हो गया, तब तक क्या हुआ कि वहाँ का जो दो जो क्लॉक टावर वाला बंदा था वो मर गया दोनों, और बचा सिर्फ और सिर्फ वो नाम नाम विलेज वाला बंदा। अब ढूंढ रहे हैं ही नहीं, तो देखो पीछे से डैमेज पड़ा और वो लोग वहाँ पे उतना देर से छुपा हुआ था, बताओ। तो मेरा टीममेट अब यहाँ पे हम मर नॉक हो गए, अब बचने का कोई चांस नहीं था। देखो मेरा यहाँ पे टीममेट का देखो वो अच्छा था किस्मत, देखो वो वॉल ऐसा लगाया, ठीक है, और वो वॉल फान के उधर चला गया और उसको नॉक भी कर दिया। बट इसका टीममेट क्या रहता है, वॉल फान के उधर जा ही नहीं पाता, पता नहीं कोई दिक्कत वगैरह रहता है या कुछ रहता, पता नहीं। और वहाँ पर उसको थोड़ा देर हील वगैरह करने का ही मौका, तो वो क्या ये टीममेट सोचता है पहले हमको नॉक कर देगा, इतने में मेरा टीममेट इधर से आके इसको मार देता है। तो उसके बाद फिर वो मेरे को जाके रिवाइव वगैरह देता है, फिर से हम लोग क्लॉक टावर आते हैं। टावर आए तो लूट वगैरह करने के लिए, ये रेवल सिस्टम का भाई थैंक यू कि रिवाइव हो गए। तो ये सारा चीज़ था, तो यहाँ पे हम लोग पूरा लूट किया और तभी मेरा टीममेट फाइट लग गया। हम बोले भाई हाँ भाई हमारे हमारे हमारे, और हम इतना ज़्यादा रीर थे, मतलब भाई लूट कर रहे हैं यार, जब देख रहा सामने टीममेट मर रहा है तब भी लूट कर रहे हैं। बोले हाँ भाई यार यार, अब बेचारा तक नॉक हो गया, फिनिश हो गया। अब हम ढूंढे, अकेला बंदा था, ठीक है, हम उसको ढूंढ रहे भाई कहाँ कहाँ कहाँ। तो वो सामने मेरे को देखो यहाँ पे दिखता है और डैमेज देते तो वॉल लगा देता है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही इसको बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं बट ये मिलता नहीं, देखो यहाँ पे हम वॉल लगा देते हैं। उसके बाद फिर ये कहाँ गया हुआ है पता नहीं चलता, हम लोग इसको पूरा ढूंढते हैं, हम इसको पूरा ढूंढते हैं बट ये नहीं मिलता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि छोड़ हटाओ, हम जाके अपने टीममेट को हंगर में रिवाइव दे देते हैं। फिर हम लोग वहाँ से कटीलिसवा आ जाते हैं। तो कटीलिसवा जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, मेरे को लगा कि मेरा पीछा कर रहा होगा बट वो पीछा नहीं करता, वहीं पर रहता है। और उसके फिलहाल में जोन से सट के एक और हमको मतलब टीम मिल जाती है, इसका एक बंदा को हम नॉक कर देते। देखो ये तो एक टीम था, मतलब डुओ वी डुओ हम लोग खेल रहे, तो ये एक टीम था और इसके एक टीम को हम लोग नॉक कर, मतलब देख रहे फाइट हो रहा था, ये ओपन में हील कर रहा भाई क्या समझ के। तो ये नॉक हो गया। उसके बाद फिर इससे क्या कहते हैं, ये जो उसका टीममेट रहता है वो पता नहीं कहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज देने का ट्राई करता है, उसके पास बॉल बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वो बार बार बच के निकल रहा है, मतलब हमेशा देखो इसको डैमेज दे रहा है बट फिर भी ये बच के निकल रहा है। तो हम लोग बोले कि ठीक है चलो हम लोग जोन की तरफ तब जाते हैं। तो अभी जो हम जब यहाँ पे आ रहे थे, तो कटीलिसवा जब आ रहे थे, तो इस दौरान में जो हम लोग को मतलब मेरे को जो बंदा डैमेज देता वो देखो उसका टीम देखो वहाँ पे, मेरे को लगा वहाँ से चला गया बट नहीं, अभी भी वो उसी सेम जगह पे था, ठीक है। और क्या होता है कि उसको हम लोग डैमेज, हम देखो यहाँ पे वो स्टेबल था, हम सोचे एक हेड देंगे बट जैसे ही मारे भाई, देखो जैसे ही मारने लगे वैसे ही वो चला गया। तो मतलब इसका नेट वगैरह लाग कर रहा है, अभी इसको यहाँ से डैमेज दिए, बहुत डैमेज दिए, तो इसको हम नॉक कर देते। तो हम बोलते कि चलो भाई रश करो रश करो रश करो। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होता है जो बाकी सारे वीडियो में हो रहा है कि भाई जोन से मर रहे हैं, बस सेम वही रहता है। देखो यहाँ पे बस सिर्फ एक डुओ बचा हुआ रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी बचे हुए हैं टोटल 6 बंदे, देखो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डैमेज देते, इसको इस स्क्वाड को हम लोग मतलब हम लोग मार रहे थे, डैमेज हम लोग देते थे बट अपोनेंट वाला एक नेड मार देता है, जिसके वजह से देखो ये नेड मारा और यहाँ पे पूरा टीम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक ही बस टीम बचा है, मतलब हम यहाँ पे एकदम आराम से थे, लूट वगैरह कर रहे हैं। अब भाई लूट मिलता है तो लूट ही मारने लगता, तो मेरा टीममेट भी मार रहा है, देखो सब जगह भाई बंदा। अब यहाँ पे इतना सा था, अपने पास वॉल वगैरह था बट थोड़ा सा डर वगैरह था, तो हम लोग यहाँ पे एकदम, और मेरे टीममेट के पास लूट नहीं था, सिर्फ डबल वेक्टर था, तो इसीलिए वो पहले लूट वगैरह अपना आराम से यहाँ पे किया। तब तक ये लोग नेट पे नेट बरसा रहा है,
मेरा टीममेट को डैमेज भी हो रहा है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जोन आ जाता है, तो और हमेशा की तरह जोन से हम लोग मर जाते हैं। देखो ये देखो, यहाँ पे हम डैमेज दिए इसको बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है, और इसके टीम में देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदा इसको नॉक किए, और यहाँ पे देखो डैमेज हमको जोन से पड़ गया। इसका सिर्फ टीम का आखिरी बंदा बचा हुआ था, ठीक है। अगर इसको हम मार देते आखिरी वाले बंदे को तो हम लोग जीत जाते हैं। तो भाई जिसके लिए वीडियो अच्छा लगा प्लीज़, और हमेशा की तरह जोन से ही मर गए भाई हम लोग। तो भाई जिसको ये वाला वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे कैसे ही बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड।